ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। बोलता है इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो जो देखिए 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर ना, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। तो प्रोबेबिलिटी आप देते हैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की कितनी है, 60%, 100 में 60 लोग, मतलब लिखना चाहे तो 0.6। इसी तरीके से बोल रहा है 40% लोग पढ़ रहे इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, इसी तरीके से हो गई 0.4। और बोल रहा है 20% लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले लोग हैं, 20% इसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी 0.2 प्रोबेबिलिटी है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है और पहला देखते हैं कि ये क्या जानना चाहते हैं हमसे। तो पहले पार्ट में बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। हिंदी भी नहीं पढ़े और इंग्लिश भी नहीं पढ़े, मतलब ये देखिए हमें चाहिए कि हिंदी भी नहीं पढ़े और इंग्लिश भी नहीं पढ़े। एच कंप्लीमेंट का मतलब होता है एच छोड़कर, यानी एच नहीं पढ़े, इसी तरह इंग्लिश नहीं पढ़े। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, इसका डायरेक्ट हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब भी देखिए वेन डायग्राम अगर आप समझना चाहें, ऐसे आगे के लिए याद कर लीजिए, हर बार वेन डायग्राम बना के समझना टाइम कंज्यूमिंग होता है तो बड़ा आसान लेकिन टाइम कंज्यूम करता है। तो यहां पर जैसे कि हमने बोला है हिंदी वाला न्यूज़पेपर, इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर, तो ये देखिए एच कंप्लीमेंट का मतलब होता है एच छोड़ के बाकी सब, इसको रेड कलर से दिखाते हैं, एच छोड़ के बाकी सब मतलब इतनी वैल्यू देखिएगा, ये सारी जो वैल्यूज हैं बाहर की भी, इसको छोड़ के सारी, एच को छोड़ के सारी वैल्यूज, ये सब ले लिया सर, ये सारा एरिया इसको बराबर बैठाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी तरीके से, देखिए ई कंप्लीमेंट, ई छोड़ के इसमें ग्रीन लाइन ले लेते हैं, तो ग्रीन छोड़ को वर्टिकल बना लेते हैं ई छोड़ के सब, तो ई छोड़ के यहां भी छूटा ई, यहां भी छूटा ई, सब ठीक चल रहा है, यहां छोड़ा ई को छोड़ना है, ये छोड़ा ई, ये छोड़ा ई सर, देखिए ये छोड़ा ई, ये ई छोड़ दीजिए आप, इसी तरीके से ई छोड़ते चले गए हम लोग, और एच को नहीं छोड़ना है, एच से कोई मतलब नहीं है, और ये एच वाले को इंक्लूड कर लिया। और ये सारी बातें करने के बाद अब अगर आप देखें कि जहां पर दोनों चेक लाइंस मिल रही हैं, तो जो चेक लाइंस मिल रही हैं दोनों ना, वो देखिए एच और ई के अलावा बाकी सब जगह मिल रही है कि नहीं, रेड कलर और ग्रीन कलर, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इनको लिख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये, इसको लिख सकते हैं सैंपल स्पेस जो था वन में से आप माइनस कर दीजिए एच यूनियन ई का कंप्लीमेंट। ये देखिए इस तरीके से बात निकाली जा सकती है, बल्कि ये वन माइनस करने की जरूरत नहीं हुई, ये तो हो ही गया यूनियन का कंप्लीमेंट, तो ये वन माइनस करने की जरूरत यहां नहीं पड़ी, ये वैल्यू इसके बराबर हो गई है, ठीक है। अब देखिए ये एच एच यूनियन, इसको एक बार मैं डायग्राम में दिखाता हूं आपको, ये देखिए एच यूनियन ई, एच यूनियन ई कितना आया, इतनी वैल्यू आई साहब, इतनी एच, ये देखिए एच यूनियन ई इतनी वैल्यू आई, इसके छोड़ के बाकी सब, तो बाकी छोड़ के ही तो लेना था, तो कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन माइनस पी एच यूनियन ई, इसको लिख सकते हैं ये। अब बड़ी आसान सी बात हो गई साहब, अब एच यूनियन ई की वैल्यू डायरेक्ट अब भी नहीं है हमारे पास, लेकिन इसको निकालने का तरीका हमको आता है, देखिए पी एच यूनियन ई को हम लिख सकते हैं फॉर्मूले से पी एच, ये हमको कई बार इस्तेमाल किया याद भी होना चाहिए, ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। अब सारी वैल्यूज डाल दीजिए, पी एच की वैल्यू कितनी थी हमारी, पी एच थी 0.6, पी ई कितनी थी, पी ई थी 0.4, और उसमें माइनस करना है हमें पी एच इंटरसेक्शन ई, इसकी वैल्यू थी 0.2, तो देखिए ये 6 और 4 मिलके 1 बन गया, 1 में 0.2 गया तो वैल्यू 0.8 आ गई, तो ये रिजल्ट आया 0.8, यानी 1 में से अगर आप 0.8 सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू कितनी आती दिख रही है, 0.2। तो पहले वाले का जो आंसर बनेगा वो बनेगा प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में 0.2।
अगर आप पॉइंट टू को लिखना चाहें और थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन के रूप में, तो इसको आप लिख भी सकते हैं, इसको लिख दीजिए आप पॉइंट टू को 2/100, ठीक है ना, पॉइंट हटाया और सॉरी 2/10 आ गया, ये 100 कहाँ आया, 2/10 आ गया, और ये वैल्यू क्या बना सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं 1/5। तो प्रोबेबिलिटी आपका इसका आंसर कह दीजिए 0.2 या 0.1/5, दोनों बातें एक ही हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज बनाई जानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, ये पार्ट नंबर 2 हमारा निकालने को जो बोलता है वो कहता है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, यानी हिंदी तो पढ़ती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की निकालनी है जबकि पक्का हो चुका है कि हिंदी वो पढ़ने ही वाली है, ठीक है। ई अपॉन एच निकालना है, इसका फॉर्मूला भी हमको पता है, पी एच इधर डिनोमिनेटर में और पी ई इंटरसेक्शन एच ऊपर, तो पी इंटरसेक्शन एच की वैल्यू क्या हमको मालूम है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल मालूम है, 0.2 है ये, तो ये वैल्यू हो गई 0.2 और पी एच यहां से ले लिया 0.6, ये देखिए, और इसको कैंसिलेशन किया 1/3, इसका आंसर आ गया। तो आंसर नंबर 2 क्या हो गया, 0.1/3। अब इसी तरह हम लोग तीसरा पार्ट बना लेते हैं जो कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तीसरे में बोलते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, इफ शी और शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, अच्छा इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ती है, इसी का उल्टा कर रहा है, कुछ भी दम नहीं है। देखिए तीसरे नंबर का ले लेते हैं, जरा सा भी हो जाएगा, पी लिखा और अब बोल रहा है एच अपॉन ई निकालो, तो निकाल देते हैं साहब, उसमें क्या है, तो नीचे आ गया पी ई और ऊपर वैल्यू आ गई पी एच इंटरसेक्शन ई। अब इंटरसेक्शन ई का एस से हो जो भी हो, 0.2 वैल्यू ही आने वाली है और इंग्लिश वाला कितना है इधर, प्रोबेबिलिटी 0.4, तो वैल्यू आ गई 1/2, ये देखिए। तो ये इस तरीके से तीसरे का आंसर, ये तीन आंसर मिल गए, 1/5, 1/3 और 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है जो मिसलेनियस है, सॉरी एमसीक्यू है, इसको देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, ये बोल रहा है इवन प्राइम नंबर, भाई इवन प्राइम नंबर तो सबसे एक टू नंबर ही इवन प्राइम होता है, तो इवन प्राइम नंबर, बाकी इवन नंबर तो प्राइम नंबर होंगे ही नहीं, कैंसिल हो ही जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। इवन प्राइम नंबर क्या होगा, केवल दो, ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, तो दो पासे फेंके गए हैं, तो दो पासे जब फेंके जाते हैं तो उसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36, 1 2 3 4 5 6 एक पासे में आएगा, 1 2 3 4 5 6 दूसरे पासे में आएगा, तो सैंपल स्पेस बनेगा 36। और इवन प्राइम नंबर केवल एक होता है, तो इवन प्राइम नंबर का जो केस बना फेवरेबल वन बना, तो इसका आंसर बड़ी सिंपल सी बात है, आएगा 1 favorable upon total cases which is 36, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, इसमें बोला है कि द टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ, तो हमें मालूम है कि दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट होती हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारी पी ए इंटू पी बी होनी चाहिए, और बाकी चीजें भी मालूम है कि ये इंडिपेंडेंट अगर होंगी तो जैसा पहले के सवालों में बोला है ए कंप्लीमेंट बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए एंड बी कंप्लीमेंट या ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, ये हमको इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए बोल रहा है कि पहले ऑप्शन में कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होना दो अलग कॉन्सेप्ट है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं, तो पहली बात तो गलत। अब पॉइंट बी की बात करते हैं, इसको भी देखते हैं हम लोग, पॉइंट सी पे आते हैं, पी ए बराबर पी बी ये भी नहीं हो सकता, और पी ए प्लस पी बी ये भी नहीं होगा, तो साहब क्या होगा, तो बी ही ऑप्शन होगा, तुक्का लगा दिया हमने, लेकिन कैसे होगा आपको दिखाते हैं हम। तो बी ऑप्शन में अगर हम गए तो हमें ये मालूम है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए भी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ये भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी पी ए डैश और पी बी डैश भी इंडिपेंडेंट हो, इसको फॉलो करें रूल, और ये फॉलो करने का मतलब क्या है, 1 - PA, इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 - PB, और ये देखिए यही तो लिखा हुआ साहब, ये पूरी बात यही इन्होंने लिख रखी है, ये देखिए
इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। तुक्का लगाएं चाहे निकाल के देखें। तो आंसर इज आंसर नंबर बी। थैंक यू।